सोचा। वाह क्या कहने, मुनकिर नादा क्यों ये सोचा, मुनकिर नादा क्यों ये सोचा, मुनकिर नादा क्यों ये सोचा, उस रत कम पड़ जाएगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सोचा इनको बता दीजिए कि हम लोग बाखल वाले हैं, हम लोग शायरी समझते हैं। हम लोग बस ये साबित करना है, मेरी इज्जत आपके हाथों में है, ये आपको मतलब से साबित करना है। मुनकिर नादा क्यों ये सोचा, मुनकिर नादा क्यों ये सोचा, उस अत कम पड़ जाएगी। अबे इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएगी। इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैजाने गरीब नवाज। माशाल्लाह आपने मेरी आबरू रख ली, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अच्छा एक बात, असल में आप लोगों को पढ़ता रहता हूँ, उसी में जो निकालता रहता हूँ कुछ ना कुछ। देखिए अनुल भाई भी आ गए हमारे यहाँ। अनुल भाई ये तो वही गेटअप है, दामनगर श्री वाला माशाल्लाह। अरे अरे अज़र भाई आप अभी देख रहे हैं, हाफिज अज़र है साहब, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। अब देखिए इंशाल्लाह और अच्छा लगेगा, मजीद रंग आ गया महफिल में। मुनकिर नादा क्यों ये सोचा उस हद कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जा, मन रहमत उम्मत कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएगी। ले आ तू का रूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना। ले आ तू का रूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना। मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाए। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार, मुजाहिदे मिल्लत। मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी। मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएगी। वो जो मदीना देख चुका है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, वो जो मदीना देख चुका है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, वो जो मदीना देख चुका है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, वो जो मदीना देख चुका है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, वो जो मदीना देख चुका है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, वो जो मदीना देख चुका है, जिसकी नजर में तैयबा बसा है, उसके लिए लगता है सैर, उसके लिए लगता है सैर, उसके लिए लगता है सैर, जन्नत कम पड़ जाएगी। अल्लाह हु अकबर,
उसके लिए लगता है सहरे जन्नत कम पड़ जाएंगे, उसके लिए लगता है सहरे जन्नत कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा है दामन रहमत, इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएंगे। पास है तेरे भारी लश्कर, एक तरफ है सिर्फ 72। पास है तेरे भारी लश्कर, एक तरफ है सिर्फ 72। फिर भी यजीदी लश्कर तेरी, फिर भी यजीदी लश्कर तेरी, फिर भी यजीदी लश्कर तेरी, ताकत कम पड़ जाएगी। फिर भी यजीदी लश्कर तेरी, फिर भी यजीदी लश्कर तेरी, ताकत कम पड़ जाएगी। फिर भी क्या अच्छा शेर सुना रहे भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भी यजीदी। देखिए अभी बोला भाई माशाल्लाह बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, ये हमारी खुशबख्ती है हम लोगों की, हमारे इलाके में आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। मैं तो बारहा आपके दरमियान आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, और मुझसे मुलाकातें होती ही रहेंगी इंशाल्लाह, इसलिए मैं आज बहुत नहीं पढ़ूंगा। हाँ, जम के सुनना हबीबुल्ला भाई को, हाँ इन्हीं को सुनना, बिल्कुल छोड़ना नहीं आप को एकदम। जीशान भाई क्या हुआ, बार बार आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी मिलता है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। अच्छा, इस शेर को, ये जो शेर आ रहा है इसको सुना के बताएंगे आप, इसको सुन के बताएंगे आप। हजार आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। अब तो उतारो जग का लिबादा, अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा, अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का। अल्लाह से दुआ है आप तक ये शेर पहुंच जाए, बस ये, हाँ पहुंच नहीं पा रहा सही से मेरे ख्याल से। अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा, अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा, अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा। अब मुझको क्या पता, मैंने तो आंखें बंद कर ली हैं, आपकी आवाज आ ही नहीं रही, इसलिए आंख नहीं खोल रहा हूँ मैं, आपकी आवाज आएगी आंखें खोल लूंगा। अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा, अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा, अब तो उतारो जग का लिबादा, शहर नबी का कर लो इरादा, किस्मत से पाओगे ज्यादा, 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 किस्मत कम पड़ जाएगी। हैरत है तुझे कैसे तूफान में किनारा है। मैं बहुत जल्दी नहीं पढ़ रहा हूँ कि हबीबुल भाई को मिल जाए पूरा। हैरत है तुझे कैसे तूफान में किनारा है, हैरत है तुझे कैसे तूफान में किनारा है, मैंने भी मुसीबत में खाजा को पुकारा है। ये हमारा बाखल का मनवा माशा, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, झूम के बोलिए सुभानअल्लाह। हैरत है तुझे कैसे तूफान किनारा है, मैंने भी मुसीबत में
खाजा को पुकारा है, मैंने भी मुसीबत में खाजा को पुकारा है। ठोकर जो लगा कर तू हंसता है अरे नादा, ठोकर जो लगा कर तू हंसता है अरे नादा, ठोकर जो लगा कर तू हंसता है अरे नादा। मैं गिर ही नहीं सकता, मैं गिर ही नहीं सकता, खाजा का सहारा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल। मैं अरे भाई चंचल भाई, आप लेके आए ना अपना सामान वगैरह? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लेके आते हैं माशाल्लाह, आपके लिए फायदा पहुंचेगा बहुत, इनसे मिलिएगा। हाँ भाई शरीफ लाते हैं, वो भी आपके लिए लाए, तोहफा लाए हैं जी आपके हवाले से। एक शेर पेश कर रहा हूँ मैं, और ये देखना कि बाग खाल में इतने एक अरसे से हो रहा है ये जलसा ख्वाजा पिया के नाम पर, आप समझे क्या अब तक, ये देखना है। एक शेर पहुंचा रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरा आना वसूल हो जाएगा इंशाल्लाह। झूंके बोले सुभान अल्लाह। मैं गिर नहीं सकता ख्वाजा का सहारा है, फिर सारी दवाओं को मैं आग लगा दूंगा, 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 फिर सारी दवाओं को मैं आग लगा दूंगा। कर खाजा पिया कह दे बीमार हमारा है, नारा लगाइए, नारा नारे तकबीर, वही बोले जो जिनके मुंह में जबान है, नारे तकबीर, आप भी बोलिए नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे का जवाब देने वाला पहलवान। घर ख्वाजा पिया कह दे बीमार, घर ख्वाजा पिया कह दे बीमार हमारा है, अजमेर के होठों पर बातें हैं बरेली की, अजमेर के होठों पर, ये तो अभी उल्टा सीधा हो रहा है ना, मगर वहां का मामला क्या, ये देखिए आप हजरात, अजमेर के होठों पर बातें हैं बरेली की, 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 अजमेर के होठों पर होंठों पे बरेली के, होंठों पे बरेली के अजमेर का नारा है। जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, सब लोग जवाब दें, सब लोग, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 फिर से ईशान भाई फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए जिंदाबाद। देखिए हुक्म हो गया, फिर पढ़ रहा हूँ। अरे अनिल भाई यार, अज़द भाई माशाल्लाह, अजमेर के होंठों पर बातें हैं बरेली की, 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 अजमेर के होंठों पर बातें हैं बरेली के, होंठों पे बरेली के,
होंठों पे बरेली, बोली जम को सुभान अल्लाह यार, होंठों पे बरेली के आवाज नहीं आई, होंठों पे बरेली के, होंठों पे बरेली के अजमेर का नारा है, होंठों पे बरेली के हम ईस्ट के बंदे हैं, क्यों बात बहाई है, हम ईस्ट के बंदे हैं, क्यों बात बहाई है, हम ईस्ट के बंदे हैं, क्यों बात बहाई है, अजमेर हमारा है, देवा भी हमारा है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब जरा एक बार और नारा लगाएं, नारे तकबीर, सब लोग जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी हुसैन का नारा लगाएं तो हसन का नारा ना छोड़ें। अब नारा लगाइए, या हसन, दोनों हाथों को उठाएं, या हसन या हुसैन या अली, नारे तकबीर। हसन भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हजरत इमाम हुसैन का नारा लगाएं तो हजरत इमाम हसन का नारा लगाना चाहिए। जो आशिक रसूल हैं अल्लाह की कसम, ऐसे पढ़ने से भी बोलना चाहिए लोगों को। हाँ, खाली ये नहीं कि आदमी तर्जुमे से पढ़े तो आप लोग बोलें, जो आशिक रसूल हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह को कबूल है अल्लाह की कसम, जो आशिक रसूल हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह को कबूल है अल्लाह की कसम, हजरत हसन हुसैन पे कुर्बान जाइए, जन्नत के दोनों फूल हैं अल्लाह की कसम, जो आशिक रसूल हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह को कबूल हैं अल्लाह की कसम, हजरत हसन हुसैन पे कुर्बान जाइए, जन्नत के दोनों फूल हैं अल्लाह की कसम, सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान या अली, चारों ही बा उसूल हैं अल्लाह की कसम। जिसको नहीं है प्यार मोहम्मद की आल से, दुनिया में वो फजूल हैं अल्लाह की कसम। अरे आप लोग तो ऐसी भाषा सुनते हैं यार, हैं? उससे अच्छा तो ऐसे सुन रहे आप हजार। है वजूद फिक्र में हरसू चरागा एक नाथ, है वजूद फिक्र में हरसू चरागा एक नाथ, एक दिल है एक धड़कन एक अरमा एक नाथ, है वजूद फिक्र में हरसू चरागा एक नाथ, एक दिल है एक धड़कन एक अरमा एक नाथ, चांद मतलब फूल मक्ता शेर सारे कहकशा, इस जमी से आसमां तक है फरोजा एक नाथ, फिक्र पुख्ता है ना मुझको जौम है अमाल पर, मेरा खासा कुल असासा मेरा ईमा एक नाथ, है वजूद फिक्र में हरसू चरागा एक नाथ, एक दिल है एक धड़कन एक अरमा एक नाथ, चांद मतलब फूल मक्ता शेर सारे कहकशा, इस जमी से आसमां तक है फरोजा एक नाथ, फिक्र पुख्ता है ना मुझको जौम है अमाल पर, मेरा खासा कुल असासा मेरा ईमा एक नाथ, हो रुबाई या कसीदा या के कोई भी गजल, हो रुबाई या कसीदा या के कोई भी गजल, हो रुबाई या कसीदा या के कोई भी गजल, है मुकम्मल सबसे अफजल लिख ले जीसा एक नाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, हाजा का हिंदुस्तान। और सुनिएगा, मैं कुएं दर सरकार में अगर जाना हुआ तो, कुएं दर सरकार में अगर जाना हुआ तो, हाथों पे मेरे सर का ये नजराना हुआ तो, अरे पत्थर तो चलाते हो उसे जान के पागल, पागल नहीं सरकार का दीवाना हुआ तो। हसन भाई जैसे अच्छे,
अरे कुएं जब सरकार में अगर जाना हुआ तो हाथों पे मेरे सर का ये नजराना हुआ तो पत्थर तो चलाते हो उसे जान के पागल पागल नहीं सरकार का दीवाना हुआ तो अमाल मेरे माना के हैं लायक के दोजा सरकार के कदमों पे जो मर जाना हुआ अमाल मेरे माना के हैं लायक के दोजा सरकार के कदमों पे जो मर जाना हुआ क्या किसी ने छेड़ दी फिर दास्ताने अजहरी दौ का जलसे में आए आशिकाने अजहरी लाख उसले रोज उसले दुश्मनाने अजहरी छू नहीं सकते ये बौने आसमाने अजहरी यह हबीबुल्लाह भाई को ये अशआर बहुत पसंद है। अब एक अच्छा माहौल बन गया है और मेरे बड़े भाई हाजी साहब भी हैं और मैं इश्तिहार में बहुत देखता हूँ ना उस्ताद सोरा अलग उस लायक नहीं है हम लोग तो फला तो क्या क्या लगा देते हैं लोग पता नहीं एक वर्ड है शहनशाह तरन्नुम। अरे नहीं बहुत 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 हम खादिम हैं। एक है शहनशाह तरन्नुम हाँ जिसको बचपन में हम पढ़ते थे तो ऐसे समझते कि हाँ कोई अच्छा पढ़ने वाला आ रहा है अब तो आम हो गया शहनशाह तरन्नुम। शहनशाह तरन्नुम में हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही है बस शहनशाह तरन्नुम सिर्फ एक है वो है हबीबुल्लाह फैजी दूसरा कोई नहीं है। हाँ दूसरों की आवाजें अच्छी हैं मगर शहनशाह तरन्नुम बस एक है हाँ हमारे हिसाब से बस ये जरूरी नहीं कि हाँ कि हाँ कि हमारा ख्याल आपके ख्याल से मिल जाए ये नहीं है। हाँ आवाजें अच्छी होंगी मगर शहनशाह तरन्नुम बस एक हबीबुल्लाह फैजी हाँ। अब मैं रुख्सत हो रहा हूँ बस खाली दो शेर सुन लीजिए मुझसे। अरे बॉस आवाज समझ लग रही मेरी इसलिए से पढ़ रहा हूँ। हाँ 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 बस बस हो गया अच्छा मैं सोच रहा हूँ ढूंढा बहुत ही दुनिया ने लेकिन मिला नहीं।